मेरा नाम ओम प्रकाश शंकर चौहान है और मैं वी अनबीटेबल डांस ग्रुप का फाउंडर एंड कोरियोग्राफर हूँ। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो वी अनबीटेबल डांस ग्रुप है, मेरे साथ कुछ दिनों पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। आज मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, सारी दुनिया को पता, आप सभी को पता है कि वी अनबीटेबल कौन है, वी अनबीटेबल क्या अचीव किया है। वी अनबीटेबल डांस ग्रुप अमेरिकाज गॉट टैलेंट द चैंपियंस का विनर है और इस ग्रुप के पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है, पूरी जान लगाई है अपनी, और आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया और बहुत लोगों की लाइफ बनाई है, मेरे टीम में ऐसे जो भी बच्चे अभी भी मेरे साथ, कुछ बच्चे जुड़े हुए, कुछ बच्चे नहीं हैं मेरे साथ। ये जीतने के बाद मेरी ऐसी ये नहीं है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और जीतने के बाद मैंने एक मैनेजर हायर किया था 2021 में, महेश दादाराव मोरे नाम का मैं बंदा था जिसको मैंने हायर किया था, मेरा सोशल मीडिया एंड शोज है एवरीथिंग मैनेज करने के लिए कंपनी का। बट आज कुछ महीना पहले ऐसे सीन हुए हैं मेरे साथ, आज मैनेजर कुछ बच्चों को लेके मेरे खिलाफ़ भड़काया और बहुत कुछ बोला कि आप लोग इसके साथ अगर रहोगे, काम करोगे, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और आप लोग इसका साथ छोड़ दो, हमारे साथ जुड़ो और आप लोग की करियर बन जाएगी। आपने मामला भी दर्ज कराया है? जी, क्या मामला? एक मामला मैंने दर्ज कराया है, कुछ महीना हो गया, 4 से 5 महीना पहले एक शोज किया था इन्होंने, इंटरनेशनल शोज मॉल ऑफ कतार, जो वी अनबीटेबल के नाम से शोज कर रहे थे और वहाँ पे प्रमोशन हो रहा था हमारे कंपनी का, और सोशल मीडिया पे जब मुझे टैग आया और मैसेज आया तो मैं बोला कि मैं ये काम तो कर ही नहीं रहा हूँ, तो कौन कर रहा है मेरे नाम से। फिर हमने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, उस कंपनी को हमने बोला कि भाई ये तो मेरा नाम यूज हो रहा है, हमारे नाम से टिकट्स बुक हो रहे हैं, तो हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि इसका कंपनी का मालिक तो मैं हूँ, तो आप लोग कैसे हमारा नाम यूज कर रहे हो। फिर उन लोगों ने बोला कि हमने एक एंटरटेनमेंट कंपनी को दिया है और उसने ये ग्रुप हम लोग को ला के दिया, और उसने बोला कि आप वो कंपनी से बात करो। जब हमने उस कंपनी से बात किया तो कंपनी ने बोला कि महेश मोरे जो है उन्होंने बोला है कि ये ग्रुप उनका है और उनके पास इसका कॉपीराइट्स है और ट्रेडमार्क है। तो हमने बोला कि ठीक है, मैं आपको अपने कंपनी का डिटेल्स भेजता हूँ, आप देख लीजिए कि सर्च कर लीजिए कि इस कंपनी का मालिक कौन है। हमने उनको पूरा अपना कंपनी का जैसे ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट्स है, हर चीज़ मैंने उनको भेजा। तो वो देखने के बाद उन्होंने बोला कि भाई ये तो सही है, इसका कंपनी का मालिक तो ओम प्रकाश हैं, तो महेश मोरे तो चीट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये शो नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा ग्रुप जो है हम लोग करेंगे ये शो, आप लोग ये शो को बंद करो, उनके साथ आप नहीं काम करोगे। तो उन्होंने बोला कि सर आप बताइए कि हमने इतनी बड़ी जो टीम है, अब वो कुछ 30-40 लोग को लेके जा रहे थे, वो सारे बच्चों लोग का टिकट्स और होटल बुक हो गए थे और उस ग्रुप के नाम से टिकट भी बिक चुकी थी, तो उनको उन बच्चे लोग का जो फ्लाइट टिकट और वीज़ा वगैरह जो भी हुआ था उसको बचाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। हमने तो बोला हमें कुछ चाहिए नहीं, हम चाहते कि ये शो हम करें। तो बोले नहीं, हम लोग चाहते कि आपके कंपनी का जो रॉयल्टी अमाउंट होता है वो आपको हम देंगे और आप ये शो होने दीजिए, और उसके बाद आपको जो लीगल एक्शन लेना है लीजिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो रॉयल्टी अमाउंट है ये जो मुझे आया हुआ है उस कंपनी से, $1,680, मतलब समथिंग कुछ 1,40,000 अमाउंट होता है। ये रॉयल्टी अमाउंट मुझे तब मिला जब उनको पता चला कि वी अनबीटेबल का नाम से महेश मोरे काम कर रहा है, तो उन्होंने हमें सेंड किया। और उसके बाद जब मैं उनके ऊपर दर्ज किया चौकी में जाके कि ऐसा ऐसा मेरे नाम से नाम काम किया जा रहा है, तो महेश मोरे ने क्या किया, पहले तो मुझे 4-5 कॉल आए कि ये जो तुम कर रहे हो ओम गलत कर रहे हो, इसे रोक दो, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर आप काम कर रहे हो ना, तो महेश मोरे को मैंने पर्सनली बोला था कि तुम अगर काम करना चाहते हो तो महेश मोरे एंटरटेनमेंट कंपनी नाम से करो, आप वी अनबीटेबल नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो उसके 7 से 8 दिन बाद ही मेरे को स्टूडियो में मारने के लिए आए थे, कम से कम 30 से 40 लोग थे, सारे फोटेज मेरे पास है, उसमें से कुछ लोगों ने मारा भी था, मेरे ऑफिस में लात लेके मारा जा रहा था कि अंदर बैठा हुआ था, अंदर से खींच के मुझे बाहर लाया गया और धमकी दी जा रही थी। उस टाइम मेरी नसीब ऐसी थी कि ये नियर बाय थे, ऑटो चला रहे थे, इनको कॉल किया मेरा लड़का और ये आए, इनको पता है क्या क्या हादसा हुआ था उस दिन, इनसे भी बहुत बहस हुई थी, इनको भी उल्टी सीधी बातें बोली गई थी, है ना, बताइए। मुझे बोलते थे तू कौन है,
तेरा कोई काम नहीं है, आप लड़कों लोग को क्यों बता है? दूं कि ये जो बैठे हैं मेरे साथ, ये मेरे एक फादर हैं मेरे, वी अनबीटेबल, सबको पता है कौन है वी अनबीटेबल, कैसे बना अनबीटेबल से वी अनबीटेबल बना विकास, वो ये उनके फादर हैं विकास के, और ये स्टार्ट से मेरे साथ हैं कहीं ना कहीं। जो आज ये वी अनबीटेबल लोग, आप सबको पता है हमारे वी अनबीटेबल की स्टोरी विकास के वजह से, विकास फॉर वी अनबीटेबल। तो विकास आज नहीं है हमारे साथ, ये उनके फादर हैं, शुरू से मैं इनके साथ हूँ, और इनको पता है कि मैंने क्या किया है उस बच्चे के लिए और इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कॉल आया तो मैं आज स्टूडियो के अंदर देखा तो दो तीन औरतें ऑफिस में घुसी थी और चिल्लम चाली कर रही थी, और लड़के लोग इधर बाहर चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। जैसे मैं एंट्री मारा, बोलता है ये तू क्यों आया, तेरा क्या काम है, तू कौन है, कौन है, चल निकल बाहर, ऐसा मुझे ये करके। लड़के लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो कुछ लोग थे जो हमारे ही ग्रुप के मेंबर हैं, जैसे मैं नाम ले लूँ वीर गोविंदा, जो मेरे ऊपर कंप्लेन किया है, वीर गोविंदा ने इनको बोला, मोहम्मद आरिफ बोलता है कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, और ये आकाश आकाश जायसवाल, जायसवाल करके लड़का है, वो भी चार पांच लोग ऐसे हैं जो ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं कि तू होता कौन है बीच में बोलने वाला। अभी आप क्या चाहते हैं, अभी आपने मामला दर्ज कर दिया है, अभी जी, आप चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो मेरा ट्रेडमार्क यूज हो रहा है उसे बंद किया जाए, और जो पब्लिक को, जनता को बताना चाहता हूँ, जो मेरा नाम यूज कर रहे हैं ये लोग, उसको फोकस ना किया जाए। पहली तो वी अनबीटेबल का एक चीज मैं बता दूं, उन लोगों ने डाला था हमारा जो वी अनबीटेबल डांस ग्रुप है, ये देखिए इसको, हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वी अनबीटेबल वेरीफाइड आईडी है, उसे बोला जाता है, सब प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि फेक वी अनबीटेबल, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ चीट किए, उन लोग मिलके हमारे ऑफिशियल आईडी को फेक वी अनबीटेबल बोलते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तो इनके ऊपर FIR हो गया है, कड़ी से कड़ी जांच किया जाए, और मेरा ट्रेडमार्क के साथ जो चीट हो रही है उसका, उसके लिए उनके ऊपर एक सजा, उनको सजा मुझे दिया न्याय जाए, मिले। मुझे न्याय चाहिए। सबसे पहले पुलिस प्रशासन से, मीरा भाईंदर पुलिस प्रशासन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ क्रू मेंबर्स हैं, आज हम लोग कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, घर पे बैठे हुए हैं, और ये महेश मोरे आज का आया हुआ इंसान मेरा मैनेजर और मेरे ग्रुप का मालिक बन के काम कर रहा है, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। आप सभी को पता है कि मैंने कितना मेहनत किया इस ग्रुप के पीछे। आपके मामले में रेमो डिसूजा नाम आ गया है, क्या जी होनी चाहिए इस पर मामले? देखिए, रेमो सर सारे डांसर्स को पता है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डांसर्स हैं सभी को पता है रेमो सर कौन है, रेमो डिसूजा कौन है। हम डांसर्स के लिए वो हमारे लिए भगवान है। ये जो बच्चे हैं, ये जो महेश मोरे है, वीर गोविंदा है, इन लोगों ने क्या किया कि रेमो सर का नाम बिना मतलब का इस मैटर में घसीटा गया, जो कि उनका कोई रोल नहीं है, हमारे ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है रेमो सर का, लेकिन उनका नाम फोकट में घसीटा गया है। सिर्फ जब ये लोग सारे बच्चे मुझे बदनाम कर रहे थे, मेरा नाम यूज कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ सर से एक बाइट लिया था, वीडियो बाइट, कि सर आपको पता है कि वी अनबीटेबल कौन है, आपने मेरी पूरी जर्नी देखी है, डांस प्लस सीजन 4 का फाइनलिस्ट हूं मैं, और वो शो का वो जज है, उनको पता है मेरी पूरी जर्नी, तो मैंने सिर्फ उनसे एक छोटी सी बाइट ली थी कि सर आप बता दीजिए कि वी अनबीटेबल का मालिक कौन है और कंपनी किसकी है। तो उन्होंने सिर्फ वो एक बाइट दिया था कि गाइस जो भी मार्केट में ये काम कर रहे हैं लोग वी अनबीटेबल, विकास अनबीटेबल करके, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन मालिक है वो है ओम प्रकाश, ये मेरे सामने खड़े हैं और ये फादर हैं विकास के, मेन मालिक ये हैं उनका, और बाकी जो बाहर काम कर रहे हैं उसके नाम से उनसे कोई लेना देना नहीं है इस ग्रुप से, और किसी का नाम उन्होंने लिया था, किसी को उन्होंने चीट नहीं बोला था। प्लस हमारे ग्रुप के बारे में उन्होंने एक अच्छी शब्द बोली थी कि बच्चे ग्रुप के अंदर तू तू मैं होता है, तो प्लीज आप लोग एक दूसरे से झगड़ा मत करो, जुड़ के काम करो, आप लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आप बहुत मेहनत करते हो, तो आप लोग एक दूसरे को ऐसा पॉइंट करोगे, एक दूसरे को बोलोगे ग्रुप मेरा है, तो ऐसा नहीं होता है, जो मालिक है मालिक ही रहेगा, आप उसके साथ जुड़ के आप काम कीजिए, बस इतना ही सी बात थी। और उतने के लिए सर को बदनाम किया गया सोशल मीडिया पे, पेपर में उनको बोला जा रहा है कि फ्रॉड है, बट वी अनबीटेबल से उनका कोई लेना देना नहीं है, एज अ डांसर हम लोग हैं और एज अ गुरु हैं वो, सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे हम लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, वो लोग भी आए थे, तो मैंने पूछा कि आप किससे पूछ के ये ग्रुप बना के आप शो कर रहे हो, तो बोले विकास को मैं नहीं जानता है, विकास कौन है, विकास तो एक ग्रोथ है। तो मैं बोला भाई विकास तो जहाँ जाना था वो जा चुका है,
उसका ग्रोथ आप नहीं बना रहे हो, विकास आप अपना ग्रोथ बनाने के लिए विकास ग्रुप तैयार किए हो, और ये ऐसा नहीं चलेगा। राइट, सीधी सी बात है, जब भी हम कोई भी शोज करने जाते हैं मार्केट में, हमारे इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट है, अवार्ड शोज होते हैं, तो जनता जो है ना, पब्लिक वी अनबीटेबल को एज अ विकास अनबीटेबल से जानता है, हमें हर कोई विकास नाम से बोलता है। तो हमारे मैनेजर के माइंड में क्या आया कि अगर मैं महेश मोरे एंटरटेनमेंट नाम से काम करूंगा तो हमें काम नहीं मिलेगा। तो सिंपल उन्होंने क्या किया, विकास अनबीटेबल ड्रीम टीम LLP बनाया, जो कि विकास अनबीटेबल जो विकास डांस ग्रुप है ये उसका कॉपीराइट्स का ट्रेडमार्क है, ये मेरे पास है। उन्होंने किससे परमिशन लेके विकास अनबीटेबल ड्रीम टीम LLP की है, जिसमें फर्स्ट नेम महेश मोरे का है और सेकंड अनुज हरजन, अजय कामले और रोहन थापा, ऐसे चार लोग मिलके पार्टनरशिप में विकास अनबीटेबल ड्रीम टीम LLP की है। और ये अलाउ नहीं है, और वी अनबीटेबल का ट्रेडमार्क भी हमारे पास है, सर्टिफिकेट हमारे पास है, सर्च सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये है वो ट्रेडमार्क जो यूज कर रहे हैं वो। और बस यही है, यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मार्केट में ये काम कर रहे हैं, प्लीज उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये मेरा है, मेरी कंपनी है, मैंने ये सब बनाया है। ये बच्चों को बिटोर के लेके जाके बोल रहे हैं कि वी अनबीटेबल हराम हमारा है, तो ये गलत है और ये ना किया जाए। बस पुलिस प्रशासन से प्लीज, मेरा मीरा भाईंदर के कनकिया चौकी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हो रहा है ये सब बंद किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उनको। और जो हमारे बेटे के नाम विकास के नाम जो ये ग्रुप चल रहा है, वो ओम प्रकाश ने जो बनाया है इस ग्रुप का, वी अनबीटेबल को, ये ओरिजिनल है और लास्ट तक ओरिजिनल ही रहेगा। और हमारे पास जो काम करने वाला, यानी ओम प्रकाश के पास जो मैनेजर का काम करने वाला महेश मोरे, ये खुद को सेठ बनने के लिए, यानी बड़ा आदमी बनने के लिए ये धोखाधड़ी किए और शो को चालू किया गलत तरीके से, इनका इंस्टा आईडी यूज करके। और जो लड़के ओम प्रकाश के साथ में काम कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधेरे में नहीं रहेगा, और जो महेश मोरे के साथ में काम कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधेरे में रहेगा लास्ट तक। काम जो महेश मोरे कर रहे हैं उनको ऐसे काम नहीं आ रहा है। महेश मोरे के पास मेरा सोशल मीडिया, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब, मेरा मेल एक्सेस, एवरीथिंग, सब कुछ महेश मोरे के पास था। और महेश मोरे ने मेरे सारे क्लाइंट डाटा चोरी किया है। मेरे पास आज भी एक क्लाइंट का कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ महेश मोरे के पास है। तो जो भी इंक्वायरीज आते हैं, जो भी शोज हम लोग को आता था, मैनेजर का काम ही वही होता है, मैनेज करना कंपनी को। तो अभी क्या हुआ, महेश मोरे ने बच्चे लोग को क्या बोला कि सारा डाटा तो मेरे पास है, तुम लोग मेरा साथ दो, हम लोग काम करते रहेंगे, काम नहीं बंद होगा। तभी तो उन्होंने ये प्लान किया विकास अनबीटेबल। तो ऐसा नहीं हो सकता, विकास अनबीटेबल भी हमारा है, वी अनबीटेबल हमारा है, और प्लीज मुझे न्याय दिया जाए। और थैंक यू सो मच मीडिया, आप लोग के वजह से शायद ये आवाज़ वहां तक पहुंचे। आप लोग, मेरा कुछ भाई लोग को मैं जानता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही है कि मेरा ट्रेडमार्क मुझे चाहिए, मेरा ट्रेडमार्क यूज हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है और उसका मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये महेश मोरे के साथ जो लड़के मेरे जुड़े हुए हैं, जो भी जितने 10-12 बंदे लोग हैं, वो सब मिलके और प्लस उनके एरिया के कुछ लड़के लोग आए थे। ये 6 जुलाई को मारामारी हुआ था मेरे साथ, और वो जब भी मारामारी किए थे तो मैं कनकिया चौकी में उसके लिए कंप्लेन किया था।